टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। पीएम मोदी के जन्म दिवस को जहां भाजपाई सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, तो वहीं हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 17 सितंबर यानी गुरुवार को बेरोजगारी की बारात निकालकर इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने पहले हापुड़ के अतरपुरा चौराहे पर स्थित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर जमा होकर यहां बेरोजगारों की बारात निकालने की कोशिश की, मगर पुलिस की सख्ती की वजह से कार्यकर्ता यहां बारात नहीं निकाल पाए और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मेरठ रोड पर जाकर बेरोजगारी की बारात निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाफ बनियान और सर पर सहरा पहने हापुड़ का ये दुल्हा ई रिक्शा पर सवार होकर दुल्हन लेने नहीं बल्कि बेरोजगारी की बारात लेकर निकला है और इसके साथ नारे लगाते दिख रहे ये लोग बेरोजगारी की बारात के कांग्रेसी बराती हैं। दरअसल देश में बढ़ती बेरोजगारी के बाद विपक्षी दल सरकार को तरह तरह से घेरने में लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने आज हापुड़ में भी अनोखा प्रदर्शन किया। बनके सब अच्छे के लिए बनते हैं, लेकिन यहाँ तो मोदी राज ने कटोरा हाथ में दिया है। गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, मक्का 200 रुपए किलो बिक गई, खेत खाली पड़ा है क्योंकि खाद ही नहीं। तो ये तो जब शरीर पे साथ वस्त्र भी नहीं है तो आप खुद समझ सकते हो कि कैसा लग रहा होगा। मोदी के विरोध में बेरोजगारों के पक्ष में जो युवा बेरोजगार हैं, ये हमारे जितने भी बच्चे हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं है। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़े डोल रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है। जिन्होंने अपना 20-20 लाख रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के अपनी शिक्षा प्राप्त की है और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है, तो वो करें क्या? वो रोड पर हैं आज। तो उन्हें मोदी योगी सरकार उन्हें चोर उचक्के बनाने के चक्कर में लग रही है कि ये बेरोजगार हो जाएं, ये कुछ भी करें, डकैती डालें, मर्डर करें, लूट हत्याकांड ये होंगे सब। सरकारी से क्या मांग है? कुछ नहीं होगा। सरकार से क्या सरकार से मांग है कि ये संविदा जो ये लेके आए हैं, इस संविदा को हटाएं, युवाओं को रोजगार दें। देखिए, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि युवा इस देश का भविष्य है, तो उन्होंने साबित भी कर दिया कि युवा इस देश का बेरोजगारी का भविष्य है। रोजगार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसी उपलक्ष्य में युवाओं ने जो स्थिति आज की डेट में समाज में पैदा हुई है, उसके तहत आज बेरोजगारी के उसमें ये मार्च निकाला गया युवाओं द्वारा कि किस प्रकार युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार आंखें मूंदे बैठी है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कांग्रेस के हापुड़ नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि देश में पहले ही लोगों की नौकरी जा रही है और उसके बाद भी योगी सरकार सरकारी नौकरी में शुरू के 5 साल संविदा में रखने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेसी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। जहां बेरोजगारी को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में विपक्ष का ये बड़ा राजनीतिक स्टंट सरकार की परेशानी को और बढ़ा सकता है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ नदीम नकवी, टाइम 24 न्यूज। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।